हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कॉपी करने की एक नई स्टाइल मैं आज आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये नई स्टाइल क्या है। कॉपी करके जब आप पेस्ट करते हैं तो आप एक ही बार में कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, क्या ऐसा संभव है कि एक बार में अलग अलग डेटा को आप कॉपी कर लें और फिर पेस्ट करते समय जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस अलग अलग डेटा को आप अपने अनुसार पेस्ट भी कर लें? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्लिपबोर्ड को ओपन करना होगा और क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए हमें एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है और वो शॉर्टकट की है अल्ट ई और बी। जैसे ही अल्ट और ई बी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड ओपन हो गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको हेडिंग के साथ साथ, अब ये हेडिंग भी मैं ले रहा हूँ, अब देख सकते हैं हेडिंग के साथ साथ ये राम का डेटा कॉपी करना है। ठीक है, तो यहां पर गए और कंट्रोल सी प्रेस कर लिया। ठीक है, यानी कि इस डेटा को हमने कर लिया है कॉपी। ठीक है, आपके क्लिपबोर्ड पे ये दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ प्रियंका का डेटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं प्रियंका का जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको भी कॉपी कर लेना है। तो यहां से कॉपी कर लिया तो आप देख सकते हैं प्रियंका वाला डेटा ऊपर है और जो इसके पहले नेम ऑफ स्टूडेंट और चीजें हमने जो सेलेक्ट की थी वो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हमें मनोज का डेटा चाहिए तो आप मनोज वाले पूरे रो को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें कंट्रोल सी प्रेस करना है कॉपी करने के लिए। तो इसको भी हमने कॉपी कर लिया। अब ये तीन अलग अलग जगह का डेटा हमारे पास कॉपी हो चुका है। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और यहां पर इसको पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सी इसे मैं जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो सबसे पहले हमें इसको पेस्ट करना है। तो यहां पर देखिए ये पेस्ट हो गया पहला डेटा आपका, फिर देखिए ये दूसरा डेटा प्रियंका वाला है तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कर्सर हमारा वहां पे था जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा हट गया, तो यहां पे रखता हूं और अब पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये नीचे आया हुआ है। और फिर अब मनोज वाला डेटा हमें पेस्ट करना है तो देखिए प्रियंका वाला डेटा हट गया क्योंकि कर्सर हमें पहले ही वहां रखना होगा। तो ये देखिए यहां पर अगर कर्सर को मैं कर लेता हूं और फिर मैं मनोज पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली मनोज वाला डेटा इस तरीके से आ जाता है। फिर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।